12.9. An object 10 cm high is placed at the distance of 20 cm from the concave lens. बच्चों एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर नोट कर लिया, और वो 20 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा है इन फ्रंट ऑफ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस से उसका फासला है 20 सेंटीमीटर का, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है उसको हम पी से शो करते हैं, पी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ओके, और जो उसकी फोकल लेंथ बताई जा रही है दैट इज 15 सेंटीमीटर, एफ इज इक्वल टू 15। यहां पर माइनस क्यों लगाया गया, देखिए बच्चों हम जानते हैं कि माइनस एफ होगा फॉर द कनकेव लेंस और प्लस एफ होगा फॉर द कन्वेक्स लेंस, राइट। तो कनकेव लेंस की बात हो रही है इसलिए एफ क्या यहां पर नेगेटिव होगी। ओके, क्या मालूम करना है, कैलकुलेट द पोजीशन यानी इमेज कहां पर बनेगा, इमेज का लेंस से क्या फासला होगा जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यानी इमेज डिस्टेंस क्यू फाइंड करना है। इसके अलावा इमेज के साइज बताना है कि उसकी हाइट कितनी होगी वो, और लास्ट में नेचर ऑफ द इमेज बतानी है कि नेचर कैसी होगी। ओके, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम फॉर्मूले से यहां सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन 1 ओवर f इज इक्वल्स टू 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q। यहां पर जो चीजें हमें दी गई हैं वैल्यूज पुट करेंगे, सबसे पहले फोकल लेंथ की बात कर लेते हैं 1 ओवर माइनस 15, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है उसका बताया गया डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, यहां लिखिए 20 प्लस 1 ओवर q। अब हमें बच्चों यहां पर q की वैल्यू चाहिए, 1 ओवर 20 को इधर शिफ्ट कर देंगे, इक्वल से जब ये इधर आएगा ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 1 ओवर 15 ऑलरेडी है और ये वाला माइनस 1 ओवर 20 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर से इधर शिफ्ट हुआ है, इधर प्लस का था इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर क्या रहेगा सिर्फ और सिर्फ 1 ओवर q। अब बच्चों आप पहले यहां से माइनस कॉमन ले लें ताकि आपको आसानी हो जाए, उसके बाद इसका लेंगे एलसीएम, 15 प्लस 1 बाय 20 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय q। अब देखिए क्या करेंगे, अगर एलसीएम देना मुश्किल लगता है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे हम, 1 बाय q, ठीक है, 20 इंटू 1 इज 20 प्लस 15 इंटू 1, 15 डिवाइडेड बाय 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो मिलेगा 300। अब 20 प्लस 15 कितना होता है, माइनस 35 डिवाइडेड बाय 300 इज इक्वल्स टू 1 ओवर q। हमें चाहिए q की वैल्यू ना कि 1 ओवर q, इसलिए हमें इसका रेसिप्रोकल लेना है। जब हम रेसिप्रोकल लेंगे बच्चों हमें क्या मिलेगा, q इज इक्वल्स टू माइनस 300 डिवाइडेड बाय 35। कैलकुलेटर से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको 8.57, और सेंटीमीटर में था तो साथ में लिख दें सेंटीमीटर, ये आ गया आपके पास, इमेज कहां बनेगा। ओके बेटे, नेक्स्ट जो है वो हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है। हाइट ऑफ इमेज के लिए जो हम पहले से रिलेशन यूज कर रहे हैं वही रिलेशन यूज करेंगे, क्यू बाय पी इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है, हाइट ऑफ इमेज इधर ही रहेगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यू बाय पी मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का 8.57 हम वैल्यू पुट करते हैं इसकी, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी थी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है जी 10 सेंटीमीटर, लिखिए यहां पर 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना था 20 हाइट ऑफ इमेज। अब आप इसको कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करेंगे और यहां से आपको आंसर मिलेगा 4.28 सेंटीमीटर में, ठीक है, ये आ गया हमारे पास हाइट ऑफ इमेज। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, इसकी नेचर क्या होगी। बच्चों यहां पर देखें क्यू जो है वो आपके पास नेगेटिव है, ठीक है, क्यू नेगेटिव है तो इससे आपको ये आइडिया होगा कि इमेज जो है वो रियल नहीं होगा, वर्चुअल इमेज होगा। दूसरी बात आप यहां पर देखें कि जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है वो ग्रेटर है इमेज से, यानी इमेज छोटा है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेटर है, तो इसको देखते हुए फिर हम ये बताएंगे कि इमेज हमारे पास वर्चुअल बनता है, ठीक है, और दूसरी बात कि स्मॉलर इन साइज होगा, स्मॉल इन साइज, और तीसरी बात है इसके अंदर इमेज जो बनता है इस फॉर्म में वो इरेक्ट बनते हैं, इरेक्ट, ठीक है, इन्वर्टेड नहीं होगा, इरेक्ट इमेज होगा। तो ये इस तरह से आप इसकी नेचर बता देंगे।
12.10. A convex lens of the focal length 6 cm is to be used to form a virtual image 3 times the size of object where the lens must be placed. बच्चों इसमें बताया जा रहा है कि एक कन्वेक्स लेंस को आप यूज करते हैं जिसकी फोकल लेंथ है 6 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले f इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर नोट कर लें। अब इसको इस्तेमाल किया जाता है टू यूज टू फॉर्म अ विजुअल इमेज, एक विजुअल इमेज बनाने के लिए 3 टाइम द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी एक ऐसा इमेज बनाना है जो कि ऑब्जेक्ट का 3 टाइम हो। तो यहां पर ये एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 3 टाइम द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, और दूसरा इमेज क्या होगा, विजुअल होगा। Where the lens must be placed, यानी ऑब्जेक्ट के सामने कितने फासले पर लेंस को रखा जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट से लेंस कितने फासले पर हो, लेंस से ऑब्जेक्ट तक फासला या ऑब्जेक्ट से लेंस तक फासला, इसको हम पी से शो करते हैं। ठीक है, पी की वैल्यू हमें यहां पर फाइंड करनी है। बच्चों अब देखिए डायरेक्टली एफ और पी माइन फाइंड करना है और एफ की वैल्यू दी हुई, जब तक क्यों नहीं पता चलता आप नहीं मालूम कर सकते पी को, क्योंकि आपको पता है आप जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, लेकिन यहां पर आपके पास कम से कम दो वैल्यू नाउन होनी चाहिए तब आप थर्ड को फाइंड कर सकते हैं, यानी इसको फाइंड करने के लिए f भी मौजूद होना चाहिए और q भी मौजूद होना चाहिए, लेकिन q मौजूद नहीं है, इसलिए सबसे पहले हमें क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है तब हम ए पी की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो बच्चों यहां पर हमें बताया गया है कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 3 टाइम द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आप फर्स्ट कर लें दैट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या है, एच है, तो फिर हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, क्योंकि उसका 3 टाइम है तो क्या होगा 3h। ये वाला रिलेशन आप यूज करेंगे यहां पर, क्यू बाय पी इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास हाइट ऑफ इमेज है वो कितनी है, 3 टाइम एच है। ठीक है, जबकि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कितनी है, एच, हमने सपोज किया था जो वैल्यू, एच एच से कैंसिल हो जाएगा तो क्यू इज इक्वल टू क्यू बाय पी इज इक्वल टू 3 आएगा, इसी से हमें क्यू की वैल्यू मिलेगी जो कि इक्वल है 3p। पी यहां पर डिवाइड हो रहा है इक्वल के उस तरफ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो पता चला कि हमारे पास जो क्यू है वो 3p है, लेकिन हमें यह बताया गया था कि इमेज विजुअल होना चाहिए। ठीक है, तो विजुअल इमेज है इसलिए क्यू की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, -3p। विजुअल इमेज के लिए हमने यहां पर माइनस लगाया। तो बच्चों अब हम यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे, देखिए अब पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास फाइंड करनी है, एफ की वैल्यू कितनी है 1/6 1/p प्लस 1/q, तो क्यू किसके इक्वल है, -3p के, -3p, यहां माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, 1/6 इज इक्वल टू 1/p माइनस 1/3p। बच्चों एलसीएम लेंगे यहां पर हम, 3p को 1 से मल्टीप्लाई करें 3p, माइनस p को 1 से मल्टीप्लाई करें तो p डिवाइडेड बाय, यहां पर इनको मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, 3p का स्क्वायर। ओके, तो 3p में से p गया तो क्या बचता हमारे पास, 2p डिवाइडेड बाय 3p का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1/6। ये पी इस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, क्या बचा, 1/6 इज इक्वल टू 2/3p। हमें पी की वैल्यू चाहिए इसलिए क्या करेंगे, इस तरफ दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लेंगे, 6 इज इक्वल टू 3p डिवाइडेड बाय 2, तो फिर पी किसके इक्वल होगा हमारे पास, यहां पर देखिए 6 इज इक्वल टू 3p डिवाइडेड बाय 2, तो पी हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, 2 यहां डिवाइड हो रहा था इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था इस तरफ आके हो गया डिवाइड, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू पी, तो बच्चों पी की वैल्यू आएगी 4, तो क्योंकि सेंटीमीटर में आइए तो साथ में यूनिट लगा देंगे, ऑब्जेक्ट को 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आपने रखना है। 12.11 A ray of light from the air is incident on a liquid surface at the angle of incident 35 degree. एक ray of light है जो कि air से water में या किसी liquid में जाती है और angle of incident बनाती है 35 degree. तो note करें I is equal to 35 degree. Calculate the angle of refraction. Angle of refraction calculate करना है. R इसको कहते हैं हम. ठीक है? वो हमें calculate करना है. जबकि हमें बताया गया है कि इसका जो refractive index है वो 1.25 है. Refractive index is equal to 1.25. R to calculate the critical angle. क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करना है जिसको हम सी से शो करते हैं। ठीक है,
ओके बच्चों, इसको सॉल्व करने से पहले हमें एक कंसेप्ट रिवाइज करना पड़ेगा। देखिए, हम अगर किसी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं लाइक वाटर, ठीक है, तो दो तरीके होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का। पहला केस, व्हेन द लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है, एक भारी मीडियम से हल्के मीडियम में जाती है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं एन इज इक्वल टू साइन आर बाय साइन आई। दूसरा केस, व्हेन द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, फिर आप कैसे निकालेंगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो फिर आप एन इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर लिखेंगे, ठीक है। ये आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने, ठीक है। इनकी एग्जांपल आप यहां देख सकते हैं, जब ये लाइट एयर से वाटर में आ रही है, मतलब एयर एक हल्का मीडियम है और वाटर एक भारी मीडियम है, लिक्विड है, तो रेयर से डेंसर मीडियम में जाते हुए अगर आप वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं तो ये वाला केस, रेयर टू डेंसर, एन इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर लिखेंगे। इसी तरह से अगर आपके पास कोई ऐसा केस आ रहा है कि जब लाइट इंटर हो रही है फ्रॉम वाटर टू एयर, यानी एक डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में, और आप इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं वाटर का, तो आप किस तरह से निकालते हैं, एन इज इक्वल टू साइन आर बाय साइन आई, फिर आर ऊपर आएगा साइन आई नीचे आएगा, देखिए इनमें डिफरेंस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ओके। तो अब हमें क्या कह रहा है कि आपने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है कि जब लाइट इंटर होती है फ्रॉम एयर इनटू द लिक्विड, ठीक है, और लिक्विड का हमें क्या बताया गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इज इक्वल्स टू फिर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, लाइट इंटर हो रही है फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, यानी एयर से इंटर हो रही है लिक्विड के अंदर, तो आप ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर, ओके, साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है, हमें एन की क्या वैल्यू दी गई थी यहां पर, 1.25, और साइन ऑफ आई कितना था हमारे पास, 30, साइन ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाय जो हमारे पास साइन आर है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 0.57, 0.57 1.25 डिवाइडेड बाय आ गया साइन ऑफ आर। आप क्या करेंगे बच्चों, जो साइन आर है इधर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, साइन ऑफ आर इज इक्वल टू 0.57 डिवाइडेड बाय, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1.25। अब कैलकुलेटर से आप इसको करेंगे डिवाइड, तो डिवाइड करके आपको क्या आंसर मिलेगा, 0.458 साइन ऑफ आर इज इक्वल टू 0.458, ठीक है। अब 0.458 आपको आंसर मिला। आपको चाहिए एंगल, ये आर, साइन ऑफ आर नहीं चाहिए, साइन को उधर ले जाइए, उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.458। जब आप इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो बच्चों आपको आंसर मिलेगा 27.3 डिग्री, आर इज इक्वल टू 27.3 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया हमारे पास 13 आएगा आंसर, 27.13 डिग्री, ये आपके पास आ गया आंसर, यानी रिफ्रैक्टिव। अब सेकंड में कहता है जी हमारे पास क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करें, तो आपको याद होगा क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करते हुए हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, लाइट को सेंड करते हैं एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, जो हमने क्रिटिकल एंगल हमने समझा था वहां पे हमने वाटर से एयर में लाइट को सेंड किया था, एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। तो यहां पर हमें जो रिलेशन यूज करना है वो डेंसर से रेयर वाला इस्तेमाल होगा, जरा बात गौर से सुनिएगा, ठीक है। एन इज इक्वल टू क्या होगा अब हमारे पास, साइन ऑफ आर बाय साइन ऑफ आई, ठीक है बच्चों। पहले जो हमने यूज किया था वो हमने यूज किया था साइन आई बाय साइन आर, अब हम यूज कर रहे हैं साइन आर बाय साइन आई। अब क्यों हम ये यूज कर रहे हैं, उसकी रीजन मैंने आपको सबसे पहले बताई है कि जब हम क्रिटिकल एंगल की बात करते हैं तो क्रिटिकल एंगल में लाइट मूव करती है एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो डेंसर मीडियम हमारे पास जो भी लिक्विड है उसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है उसको हमने यूज करना है, इसलिए फिर हम ये वाला रिलेशन यूज करेंगे साइन आर बाय साइन आई। क्यों? क्योंकि लाइट डेंसर से रेयर में इंटर हो रही है, ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.25, और साइन ऑफ आर हम जानते हैं कि क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पे बताया नहीं गया, लेकिन आपको खुद से पता होना चाहिए कि इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होता है, तब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल यानी सी कहलाएगा, ठीक है। तो साइन 90 पर क्या होता है जी हमारे पास 1 होता है, 1.25, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ सी, अगेन ये इस तरफ आ जाएगा और ये उसकी जगह ले लेगा, यानी ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, साइन ऑफ सी ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.25।
अब आप कैलकुलेटर से इसको करेंगे डिवाइड तो आपको आंसर मिलेगा 0.8 साइन ऑफ सी इज इक्वल टू 0.8। हमें चाहिए सी की वैल्यू ना कि साइन सी चाहिए, तो साइन उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 0.8। तो आप इसको कैलकुलेटर में शिफ्ट दबा के साइन दबाएंगे 0.8 तो आपको क्या आंसर मिलेगा 53.13 डिग्री। तो बच्चों ये आ गया जी हमारे पास आंसर इसका, ठीक है, ये क्रिटिकल एंगल है। तो डिफरेंस आपने नोट कर लिया, ठीक है, यहां पर n इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर लगाया और वहां पर n इज इक्वल टू साइन आर बाय साइन आई लगाया। क्यों? यहां पर लाइट जो है वो रेयर से डेंसर में एंटर हो रही थी और रिफ्रेक्टिव, सॉरी, जब आप क्रिटिकल एंगल निकालते हैं तब आपको लाइट डेंसर से रेयर में सेंड करनी होती है, ये वजह है। 12.12 पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज 5 डॉप्टर, व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस so that the real and 2 times large image is found। बच्चों कहा जा रहा है कि एक लेंस की जो पावर है वो 5D है और कितने फासले पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करना चाहिए कि उसका रियल इमेज बने और 2 times लार्ज इमेज बने, इससे क्या इंफॉर्मेशन मिली हमें। सबसे पहले पावर को नोट कर लिया जो कि 5D है और दूसरी इंफॉर्मेशन उसने ये बताई कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से 2 times होना चाहिए, यानी बड़ा, डबल होना चाहिए, ठीक है, इसलिए लिखा एच आई इज इक्वल टू 2 times HO, यानी हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 times द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब आपने ये बताना है कि ऑब्जेक्ट को कितने फासले पर रखा जाए, यानी पी, ठीक है बच्चों। तो सिंपली हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं 1/F इज इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q का, वो फॉर्मूला आपका तभी पॉसिबल है यहां पर इस्तेमाल करना जब आपके पास एफ की वैल्यू और क्यू की वैल्यू हो। ना तो हमारे पास एफ की वैल्यू ना ही क्यू की वैल्यू, तो पहले एफ और क्यू दोनों की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए पावर बताया गया, पावर हमारे पास है 5 डॉप्टर, ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू 1/focal length इन मीटर्स, ठीक। अब पावर कितनी बताई गई है, 5 focal length इन मीटर्स। अब यहां पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या इस तरह से आप एफ यानी फोकल लेंथ इन मीटर्स यहां आ जाएगी और 5 नीचे चला जाएगा 1/5, इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से मिलेगा 0.2 meters, ठीक है। अब फोकल लेंथ मीटर्स में नहीं, हम सेंटीमीटर्स में लेते हैं, तो सिंपली आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ इज इक्वल टू 0.2 × 100 तो आ जाएगा 20 centimeters, 20 centimeter आ गई इसकी फोकल लेंथ। अब एक चीज हमारे पास आ गई, दूसरा है कि हमारे पास क्यू इमेज डिस्टेंस, इमेज कहां पर बनेगा, ठीक है, वो हमें नहीं पता। इसके लिए हम जो रिलेशन पहले से यूज करते आ रहे हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर, क्यू बाय पी इज इक्वल टू एच आई बाय एच ओ, ये रिलेशन। अब हम ये सपोज कर लेते हैं कि लेट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एच, तो हाइट ऑफ इमेज उसका डबल होनी चाहिए, फिर 2h कर लेंगे, ठीक है, पुट करिए वैल्यू, क्यू बाय पी इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज कितनी है 2h और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है h, h h से कैंसिल हो गया तो पता चला q by p इज इक्वल टू क्या आएगा 2, राइट। अब p उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहां पर डिवाइड हो रहे हैं, ठीक, तो q इज इक्वल टू क्या आ गया 2p, यहां से अब हमें q के रिलेशन में मिल गया। अब हम जो है वो यहां पर वैल्यू इसकी पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1/F इज इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q होता है। अब f की वैल्यू कितनी है, फोकल लेंथ हमारे पास आ गई है जी 20 centimeter, तो लिखेंगे 1/20, 1/P ऐसे ही रहेगा, प्लस q की जगह पर क्या लिखेंगे हम 2p लिखेंगे, यहां पर 2p आ गया, राइट। अब आप लीजिए इसका एलसीएम, या आप चाहें तो यहां से 1/P कॉमन ले लें, क्या बचेगा 1 plus 1/20। अब आप इसका एलसीएम ले लें इन साइड, 1/P into 2 × 1, 2, 1 × 1, 1 / 2 × 1, 2 is equals to 1/20। अब बच्चों 2 + 1 कितना होता है 3, 3 / 2, तो 3/2p is equals to 1/20। इसका रेसिप्रोकल ले लें आप, क्या बन जाएगा 2p/3 is equals to 20। 3 यहां पर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके चला जाएगा डिवाइड में, तो p इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2।
तो ये इसका आंसर आ जाएगा, पावर हमारे पास आ जाएगी, सॉरी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। टू वन द टू, टू टेन द 20, तो 10 इंटू 3 30 बनता है हमारे पास।